भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड में दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गया है। भोजपुर के पीरो प्रखंड में 522 पदों पर 1950 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला पीरो की 1,63,321 मतदाता तय करेंगे। पीरो में 106 पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। नामांकन कराने के बाद 19 मुखिया और 2 पांच प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। वहीं जिला परिषद 12 की प्रत्याशी पुष्पा देवी और पंचसमेन लहठान से रामेश्वर पांडे का नामांकन रद्द कर दिया गया था। जिला पार्षद 21, पंचायत समिति सदस्य 182, मुखिया 149, सरपंच 123, पंच 369, वार्ड सदस्य 1,127 के भाग्य का फैसला आज होना है। पीरो प्रखंड के 289 बूथों पर जिला प्रशासन ने काफी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर भोजपुर जिला प्रशासन ने 22 पंचायत वाले पीरो प्रखंड में 289 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर 6-6 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। पीरो प्रखंड के 2 बूथों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। तिलहाट पंचायत के मतदान केंद्र 109 और 110 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। इस मतदान केंद्र पर विशेष व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई है। साथ ही साथ बोगस वोटरों पर पैनी नजर रखी जा रही है। 22 पंचायत वाले पीरो प्रखंड में 289 बूथों के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। 154 PCCP के देखरेख में मतदान कराया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम पर वोटरों का डेटा अपलोड कर दिया गया है, जिसको सिस्टम संचालक को बूथवार तैनात कर दिया गया। वोगस वोटरों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन तरीके से सक्रिय रहने का आदेश दे दिया गया है। वहीं पंचायत चुनाव में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर पहले से कंजा कस लिया है। आज के चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी, पंच के लिए चुनाव हो रही है। लोकतंत्र की पहली इकाई पंचायत चुनाव होती है, जिसमें ग्रामीण इलाके के मतदाता अपने गांव के जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। भोजपुर जिले में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। वोट डालने आई है ना, क्या मन में, कैसी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा होना चाहिए, जो काम करे, विकास करे। विकास और तो, और इस बार तो अलग तरीके से हो रहा है वोट, इस बार अलग तरीके से हो रहा है वोट, पहले जैसे होता था वैसे नहीं हो रहा है, तो तैयार है ना, EVM से वोट हो रहा है, और भी तरीका है। सरकार होना चाहिए तो सबको देखभाल करें। इस बार अलग तरीके से वोट डाला जा रहा है। कैसे? इस बार थंब इम्प्रेशन है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, वो तो जानते हैं। मैं तो तैयार है, EVM से डाला जा रहा है। EVM से डाले हैं, उसे डाल देंगे ना। आज पर्व है तब भी आ गए आप? क्या करें, अपना अधिकार छोड़ दें, अधिकार तो करना है ना, अपना अधिकार नहीं छोड़ दी, सुबह सुबह है फिर भी लाइन खींचना है। मन में है कैसा सरकार? हमारी सारी फैसिलिटी को सही से देखे और किसी काम। आपकी पंचायत का विकास करे, गांव का विकास करे, गांव का विकास करे, डेवलप हो हमारा गांव, इसीलिए तुम आए। नाम बता दीजिए अपना। कंचन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।